गाइस गुड मॉर्निंग अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मोहम्मद जनी हबीबी। तो क्या हाल खबर है, आई होप आप लोग सब आदमी ठीक होंगे। तो आज हम लोग का काम फिर इधर ही है, अभी बोला है मतलब कि लास्ट एक्टिव आप लोग मायर में जाकर एग्जीबिशन माल गिराने के लिए। तो देखिए कल भी बोला था तो हम लोग नहीं गया, मैं और रामा नहीं गया, बाकी और बाकी सब ड्राइवर गया था। तो देखते हैं आज किधर किधर चलते हैं हम लोग, तो देखते हैं आज कितना बजे रूम में जाता हूँ। कल तो रूम में जाते 7:30 हो गया था, अभी मेरा गाड़ी लोड हो गया है, लास्ट वक्त रख रहा है, फर्स्ट ट्रिप है। हाँ तो गाइस मेरा गाड़ी लोड हो गया है, अभी मैं जा रहा हूँ फिलहाल तिरपाल लगाने, आज देखते हैं कितना ट्रिप लगता है। सब आज सब आदमी इधर ही आया है, कोई इधर उधर नहीं गया है, सब सातों गाड़ी आया है। पहला ट्रिप पहला इधर सबसे पहले रहमान लोड किया, उसके बाद मैं लोड किया, उसके बाद अजीज भाई है। चलो गाइस मैं जा रहा हूँ तिरपाल लगाने के लिए, आज का मौसम बहुत सुहाना है यार, आज उतना ठंडी भी नहीं है। आज ये हमारा फॉर्मेन साहब भाई वो भुलाए हुए थे, बाहर लेट आ रहे हैं, किधर थे भाई साहब हमको तो लगा आज जा रहा हूँ ऐसे ही दूसरा ट्रिप आएगा पढ़ाएगा सोच रहा था बहुत दौड़ के आ रहे थे उधर से यार क्यों लेट हो गया भाई यहाँ से ड्राइवर लेट उधर वो ड्राइवर ने लेट कर दिया आने में, मुश्किल नहीं है। चलो भाई मैं पेपर बना रहा हूँ, मैं इधर से जाएगा सीधा उधर मिजान कराए उसके बाद खाली करेगा इसको। यार अभी टाइम हो रहा है 7:30, ये धुंध लगने की वजह से ये कचरा वाला की पीएमसी खोला हुआ नहीं है, बंद करके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से इधर धुंध लगा हुआ है। अभी रामान थोड़ा पीछे है, रामान आगे चला था मगर रास्ता में रुक गया था पेशाब वेशाब करने के लिए, पीछे हो गया। अब बताओ डेली लोडर लग जाता है यार, क्या बोलेगा, डेली लोडर लगना ही लगना है हम लोग का। आज तो यही लोडर लगा हुआ है, आप देखते हैं कब तक खुलता है। तो अभी जैसे खाली खड़े कहीं पर जाएंगे, इंसान को देख लो यार, दो दिन से आगे आगे आता है, आज दो दिन से इधर लोडर लगा के रखता है यार डेली। तो यार आतंकवादी की तरह दिख रहा है। हाँ तो गाइस सुबह से फंसा हुआ, अभी 9:30 इधर खुला है, सबनम पूरा हटा उसके बाद ये खुला है। देखो गाइस पहला ट्रिप आपको खाली हो रहा है 9:40 में, संतुक उठा रहा हूँ, आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया। गाइस ये हो रहा है अपना सेकेंड ट्रिप लोड, अभी टाइम आपको कितना हो रहा है, 10:47 हो रहा है यार। आज ये दूसरा ट्रिप बताइए 10:47 लोड हो रहा है, दिमाग ख़राब हो गया है, उधर सिर्फ धुंध लगने की वजह से ऐसा हुआ है, क्या कर सकता है। घाम बहुत डेंजर उगा हुआ है, बहुत कड़कड़ हुआ घाम लग रहा है चेहरा पे, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, मेरे को दाढ़ी बाल दोनों कटाना है, अब सैलून जाकर कटाना पड़ता है, तो हमको टाइम नहीं मिल रहा है। तो अभी लगता है ये लोग का लंच आ गया है, उधर पहुँच आया है, ये लोग का ये सेवल वाला और वो फॉरमैन का लंच आ गया, उधर एक बॉस आया हुआ है, देख सकते हो वो बॉस में है। गाइस यार इधर से तो मैं इधर से मिजान करा लिया आपको एग्जैक्ट 45-240 है, 200 किलो ज़्यादा है और 500 किलो तक छोड़ देता है पुलिस। तो क्या बोलता है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, देख रहा हूँ एसी भी मेरा ख़राब है, गर्मी भी उसे लग रहा है यार, दिमाग ख़राब हो रहा है। कतर में गर्मी बढ़ने लगा, जाड़ा का मौसम जाने लगा, क्या करेगा। तो अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ इधर से मिजान वजान सब हो गया, पेपर निकाल लिया हूँ, अभी आपको टाइम हो रहा है 11:30 तकरीबन, मैं उधर ये इसको अगर उधर जा नहीं रहेगा तो उसको इसको मैं खाली कर लेगा 1:00 तक और 1:30-2:00 तक मैं मायर में पहुँच जाएगा तीसरा ट्रिप के लिए। तीन ट्रिप मारेगा, ज़्यादा नहीं मारेगा, तो लगने वाला भी नहीं है, कहाँ लगेगा। जब इतना लेट हो गया उधर धूम गिरने की वजह से लेट हो गया, तो ट्रिप लगने वाला नहीं है। तो अभी चलो भाई अभी मैं जा रहा हूँ उधर राशिद एजेंसी में कचरा खाली करने के लिए। बहकी सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में,
अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी। हाँ तो भाई मैंने कच्चा खाली कर लिया, अभी आपको एक बजने जा रहा है, दो मिनट बाकी है एक बजने में। तो क्या बोलता है कि यार मेरा गाड़ी में एसी खराब है, साथ साथ यार मेरा सब्जी भी लगता है खराब हो गया है, गर्म तो अजीब मतलब आ रहा है, लगता है जैसे खराब हो गया। तो मैं सोच रहा हूँ होटल में से क्या बोलता है बिरयानी ले लूँ, मटन बिरयानी। अब देखता हूँ अभी से एक टिप लगता है कि दो टिप लगता है यार। अभी तो आ गया हूँ मिजान पे, मिजान पर से एक पेपर लेना पड़ता है, वो पेपर ले लूँ तब इधर से जाएगा होटल। पेपर लेना पड़ता है, ये बोला जय पेपर है, ये पेपर लेंगे ये जहाँ पे मैं लोड कर रहा हूँ ना उधर, ये मेरे को देना पड़ता है, क्योंकि ये नहीं अगर रहेगा ना तो हम लोग का पेमेंट नहीं मिलेगा, इसका बहुत मतलब ज़रूरी होता है इसका। अरे कहाँ गया है। तो चलो भाई अभी मैं इधर से होटल से बिरयानी लेगा, उसके बाद पार्सल लेगा, मैं तो बैठ के नहीं खाएगा, पार्सल लेगा और माजर में जाएगा उधर लोड करेगा उधर ही खाएगा। देखता हूँ तीन टिप तो मतलब तीन टिप तो आराम से लग जाएगा, मैं कोशिश करेगा चार टिप आने के लिए, चार टिप लग जाए कि नहीं। तो अभी फिलहाल मैं इधर निकल गया हूँ, जा रहा हूँ होटल में, चलो भाई चलते हैं उधर भाई साहब। हाँ तो भाई मैंने अपना पार्सल ले लिया हूँ, अभी इधर से मैं जा रहा हूँ माजर के लिए। इधर बाब अल रेयान होटल का नाम है रेस्टोरेंट, इसमें आके खाना लीजिए, किसी को खाना है तो बहुत अच्छा खाना मिलता है इसमें, बहुत अच्छा बिरयानी पार्टी सब कुछ बहुत अच्छा मिलता है। और इससे भी बेस्ट है इसका चिकन फैमिली जो बनाता है, वो डबल पराठा में खाइए बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल अभी बिरयानी ले लिया हूँ इधर से, बीफ बिरयानी, मटन बिरयानी नहीं था तो बीफ बिरयानी लेना पड़ा। तो चलो भाई चलते हैं भाई साहब, उधर अब लोड करेगा खाना खाएगा। हाँ तो गाइस मैं जब पुग गया हूँ माजर में, मेरे आगे तीन गाड़ी है, तब तक लोड होगा तब तक मैं खाना खा लेगा। ये मेरा खाना है इधर, बीफ बिरयानी है, मैं आप लोगों को खोल के दिखाता हूँ इधर का बिरयानी। ये देखो गाइस ये बीफ बिरयानी है, इसके साथ आपको सलाद देता है और प्लस में वो दही और उसका थोड़ा शीरवा देता है। चलो गाइस मैं जा रहा हूँ खाना खाने, अगर आप लोग को ऐसा खाना खाना है तो बब अल रेयान होटल है उसमें चला जाइएगा, रुद्रासी में पड़ता है, मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। लोड का क्या है, इधर से लोड किया तो देख रहा हूँ यार ये टायर दबा हुआ क्यों दिख रहा है, उधर का आगे चेक किया था यार टायर पंचर है, अब तो पक्का तीन टिप लगेगा यार, दिमाग खराब हो गया। इधर मेरा गाड़ी का टायर पंचर है और उधर एक राम भाई का जॉब नहीं उठ रहा है, उधर भी मैकेनिक आ रखा है बना रहा है, तीन बार तो ये लोग दौड़ के जाके आके सामान लेके आया, तीन बार इस बार लगता हो जाएगा। ये तुरंबा लिख हो गया था पूरा है, लिख गया है धूम फाइव का ड्राइवर, ये हमारा कंपनी का धूम फाइव, ढक्कन नहीं लगता है बन गया है, धीरे धीरे से तीन नंबर तो बहुत धीरे धीरे उठ रहा है यार, ज़्यादा स्लो नहीं हो गया तीन नंबर, लगता नहीं उठेगा, पावर नहीं टूट रहा है, इससे आयल है कि नहीं है। दो नंबर के बाद तीन नंबर में स्लो हो जा रहा है, विक्रम भाई ढाला नहीं खुलता है क्या, हो गया खलास हो गया, तीन नंबर से ऊपर नहीं जा रहा है, अभी भी नहीं बना, तीन नंबर से ऊपर नहीं जा रहा है, तो गाइस इधर आ गए हैं मंजरी साहब, टायर चेंज कर रहा है, अब देखिए टायर बचा है कैंसिल हो गया है, अंदर से तो कटा हुआ दिख रहा है, अभी क्या होता है देखते हैं।
ये इधर आदमी, एक आदमी इधर परेशान है, एक उधर परेशान है। तो जब नहीं वो उठा तो बाद में उसको सेवल से वो पकड़ी से पला के खाली करवाया जा रहा है। हाँ वो सेवलवा समझ रहा खाली का हो। हाँ तो गाइस मेरा गाड़ी बन गया, मैं अब जा रहा हूँ, इसको कमसे में गिरा देगा। वैसे मटेरियल है, अभी मैं इधर फिलहाल माइजर से निकल रहा हूँ, आप देख सकते हैं अच्छी रोड में हूँ अभी। मेरे को इधर से आधा घंटा लगेगा, उसको गिरा के मैं रूम में चला जाएगा, डीजल ला लेगा उसको रूम में चला जाएगा। टाइम हो रहा है 3:30, 3:30 बजे इधर फूगा। ये मेरा अभी तीसरी ट्रिप है, टायर पंचर होने की वजह से मेरे को लोदर लग गया, क्या कर सकता है। इधर जा रहा हूँ, लेफ्ट वाला मैदान खाली है तो लेफ्ट वाला मैदान पे चढ़ेगा। अब देखता हूँ किधर भेजता है, 6 नंबर इनके 7 नंबर, यही दो में से कहीं पे भेजेगा। स्टॉक पाइप 4 नंबर, ये आपका जीसीएम में जाएगा। इधर इसमें गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल रहता है यार, टायर बहुत राउंड मारता है। अभी देखते हैं उधर जाके ये रास्ता मतलब कौन से हिसाब से है, बनाया है कि नहीं बनाया है। नहीं चढ़ेगा तो फिर घुमा के आना पड़ेगा यार, तो जाने का दिल नहीं करता है, गाड़ी नहीं चढ़ता है यार उधर, क्या करेगा। अदरवाइज मैं इधर आ गया, चढ़ने के लिए बहुत मुश्किल हो गया था, मालूम नहीं यार मैं कैमरा में रिकॉर्डिंग किया चढ़ने के टाइम में, मोबाइल मेरा मतलब गाड़ी खराब, मतलब गाड़ी का एसी खराब है ना, तो मोबाइल भी मतलब अभी गर्मी लग रहा था, हीट हो गया था तो मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था, तो वो वीडियो सेव नहीं हुआ है ऑफ होने के कारण। अभी तो फिलहाल खाली कर रहा हूँ, गाइस मैं आ गया हूँ पंप में, मैं डीजल डाल रहा हूँ। अभी शुरुआत किया हूँ, 80 तक गया है, इधर लीटर नहीं जोड़ता है, इधर जो ऊपर चलता है ना रियाल, और रियाल का हिसाब होता है, 2 रुपया 5 पैसा है एक लीटर का। तो गाइस फिलहाल मैं अभी रूम में आ गया हूँ डीजल डाल के, तो क्या बोलता है, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, और थोड़ा सपोर्ट करो गाइस, आप लोग सपोर्ट करेगा तभी आगे बढ़ेगा। चलो मिलते हैं अगला ब्लॉग में, कल का ब्लॉग में मिलते हैं, गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम, क्या फ़ाला के मोहम्मद जे हबीबी।